بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نيكس سورة لیتے ہیں سورة التكاثر سورة التكاثر بہت ہی آنکھ کھول دینے والی سورة ہے بہت ہی زیادہ شعور کو بیدار کرنے والی سورة ہے اب دیکھیں تکاثر کثرت سے نکلا ہے بھی کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جانا انکریمنٹ اور اس کا جو دیکھیں کہ شان نزول ہے हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अंसार के दो कबीले थे बनु हासिर और बनु ये जो है ये हारिसा तो ये दो जो कबीले थे उस वक्त बड़े बड़े अंसार के इन लोगों का हाल ये था कि ये लोग जो जो इनके जिंदे जो भी बुजुर्ग वगैरह जो जिंदा थे उनकी बड़ाइयां मारते थे इतना फकर करते थे उनके ऊपर इसी तरीके से जब ये कब्रिस्तान जाते थे वहां जाकर अपने मुर्दों की बड़ाइयां मारते थे इतनी बड़ाई मारते थे उस पर अल्लाह सुभान ताला ने जो है वो ये आयत नाजिल कर दी ये जो आयतें हम इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे तो अल्लाह सुभान ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी। अच्छा ठीक है, और अगर एकदम बेसिक थीम आप देखें ना इसका, इस सूरत का बेसिक बिल्कुल थीम अगर आपको मिले तो ये है कि अल्लाह सुभान ताला बता रहे हैं कि लोगों का अपने माल पर, हसब पर, नसब पर और यानी खानदान पर, बिरादरी पर जो फकर करना है ना, ये बताया जा रहा है। और यानी कि इंसान इतना एक तो फकर करता है और जो कुछ भी अल्लाह सुभान ताला ने उसको अता किया है वो हासिल करके भी उसका पेट नहीं भरता है, उसका पेट नहीं भरता है। इसी तरीके से देखिए कि उसके बाद इंशाल्लाह आयतों के अकॉर्डिंग देते हैं। और ये सोचिए कि अपने आप को रखकर सोचिए, क्या मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ, क्या इस बवाल में मैं तो नहीं फंसी हुई हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह सुभान तआला क्या फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم। الله اكبر। कितनी छोटी सी सूरत है लेकिन कमाल का मैसेज मुझे और आपको जो है वो दे रही है। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं अलहाकुमुत्तकासुर, तुम्हें कसरत ने, किसकी कसरत ने, ख्वाहिशों की कसरत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। यानी इंसान क्या है ये क्या है, अब आप सोचोगे कि ये क्या है कसरत और गाफिली क्या है। तो देखिए हर वो चीज जिसको इंसान अगर पाने की चाहत रखता है और पाने की चाहत में अल्लाह के बारे में जो है वो गाफिल हो जाता है, वो ये भूल जाए कि ये मेरे रब ने दिया है, वो ये भूल जाए कि क्यों दिया है, इसका मुझे क्या इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ साथ देखिए कि इंसान की कुछ कमजोरी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि इंसान जो होता है वो एक कसरत, अच्छा किस चीज की कसरत, हर चीज की कसरत चाहता है इंसान। मेरे पास माल ज्यादा हो, औलाद ज्यादा हो, मेरी जो है यानी कि स्टेटस ज्यादा हो, और यानी इस तरीके से यानी मेरी शोहरत ज्यादा हो, दौलत ज्यादा हो, इन तमाम चीजों की अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं, इन तमाम चीजों की ख्वाहिशों ने तुम्हें जो क्या कर दिया, तुम इतना ख्वाहिशमंद हो गए, इतना तुम जो है वो ख्वाहिशों में पड़ गए, यहाँ तक कि तुम जो है वो कब्र में जा पड़े, यहाँ तक कि तुम कब्र जा पहुंचे, यानी
यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाती है। कितनी हकीकत है, देखिए है ना इंसान की साइको। जब तक इंसान जो है मरता नहीं है, जब तक मौत आके कब्र में नहीं चला जाता है, जब तक बहुत ज्यादा कसरत कसरत कसरत, यानी ये भी मेरे पास हो वो भी मेरे पास हो, तमाम चीजें हासिल करने की कोशिश करता है। बुखारी की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदम आदम के लिए अगर एक वादी सोने की भरी हुई हो, एक वादी सोचिए जरा कि सोने की भरी हुई उसके पास अगर मौजूद भी हो और उस पर वो किनात नहीं करेगा, बल्कि यानी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा, बल्कि क्या चाहेगा कि ऐसी दो वादियां और हो जाएं, और उसके मुंह को तो कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती है, अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो उसकी तरफ रुजू करे। देखिए कितने बड़े बड़े दो मैसेज दिए जा रहे हैं। क्या पता चला, ये जिंदगी तुम्हें जो है अल्लाह को राजी करने के लिए दी गई है, ना कि तुम्हें सोना चांदी जवाहरात जमा करने के लिए दिया गया है। जमा करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर आपको अता किया है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। कहाँ इस्तेमाल करें, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जो बात आई है कि यहाँ तक कि उसके मुंह को कब्र की मिट्टी लग जाए, दैट मीन्स वो इंसान जब तक मर के मिट्टी में नहीं चला जाता है, कब्र में नहीं चला जाता है, तब तक वो ख्वाहिशात करते रहता है, मेरे पास अभी एक घर है तो दो घर हो जाए, मेरे पास हजार है तो लाख हो जाए। अल्लाह अकबर, देखिए जरा कितना फैक्ट है इस बात में। फिर इसी तरीके से मुस्लिम की एक रिवायत है, हजरत उबी बिन काब रज़िल्लाहु तआला अन्हु जो है फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को इतनी बार दोहराते कि हम इसे कुरान समझकर जो है वो समझने लगे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को कितना दोहरा रहे हैं, यहाँ तक के सूरह तकासुर नाजिल हो गए। ये ऊपर जो आपने हदीस सुनी, यानी इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दोहराते थे कि इब्ने आदम ऐसा है, इब्ने आदम ऐसा है, ऐसा है, और सूरह तकासुर जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है वो आयत नाजिल कर दी। इसी तरीके से देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल, माली माली, हालांकि उसमें तेरा हिस्सा तो उतना ही है जो तूने खा कर फना कर दिया, पहन कर बोसीदा कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। ये तीन बातें अक्सर जो मैं आपको समझाती हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, इंसान का अपना क्या है, जो वो सोचता है वो उसका नहीं है, बल्कि उसने जो खा के अपने जिस्म उसके जिस्म में वो चला गया, जिस्म में जाने के बाद वो फूड उसको जो ताकत देती है उसका उसने सही इस्तेमाल कर लिया, दैट मीन्स वो उसका था। अच्छे कपड़े पहने, उस अच्छे कपड़े को पहनने को उसने अल्लाह की रजा में शामिल कर दिया, अल्लाह की रजा के काम किए उसने, ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों को दिखाया, उसमें भी शेखी बघारी, उसमें भी फखर किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसने अल्लाह के रजा के लिए आगे जो सदका भेजा, ये तीन चीजें उसकी अपनी होती है, उसके अलावा उसके सिवा उसका कुछ नहीं होता है। अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, और तेरे हाथ से जाने वाला है तो उसको यानी लोगों के लिए जो छोड़ जाता है, यानी जो तुम्हारे हाथ से चला जाता है, मरने वाले के हाथ से चला जाता है, वो उसे लोगों के लिए छोड़ जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। इल्ला माशाल्लाह कि कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करें और मरने वाले के हक में जो है उसको सही इस्तेमाल करके उसके लिए सदका जारिया बना ले, वो एक अलग चीज है, अलग चीज है वो। लेकिन अगर जाने वाले के लिए वो सदका जारिया नहीं बना तो फिर बवाल हो गया उसके लिए। फिर ये देखिए कि इसी तरीके से अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि यहाँ तक के वो कब्रों की जियारत कर लेता है। देखिए ये जुर्तुम है, जुर्तुम ये असल में जियारत से निकला है। इतना गफलत में इंसान रहता है, इतना ये चीजें जो है उनको माल औलाद कबीले खानदान, हाँ वो चीजें इतनी गफलत में डाल देती है उन्हें कि बेखबर होकर जिंदगी गुजारता है और एक वक्त ऐसा आता है कि कब्र में जाके पड़ जाते हैं। देखिए अच्छा, अब आप सोचोगे कि अब आपकी नजर में कोई मालदार आ रहा है, ओहो अच्छा मतलब ये आयत उसके लिए उतरी है। तो देखिए इसका ताल्लुक ये जो यहाँ पे बताया गया है ना कि वो माल की कसरत औलाद की कसरत, तो एक बात ध्यान से सुन लिए, इसका मतलब ये जो है माल, वो माल जो नाजायज तरीके से कमाया गया है, जो हराम तरीके से कमाया गया है, जो एक ये चीज टू थिंग्स आर देयर, एक हराम तरीके से जो है वो कमाई उसकी है, दूसरा ये
कि अल्लाह के फराइज को अदा नहीं करता है, समझे आप, अल्लाह के फर्ज को अदा नहीं करता है, हराम तरीके से माल कमाता है, तो वो चीजें सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और देखिए कि हलाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप सोचोगे कि मालदार लोगों को ये ऐसी जहन्नम मिलेगी या मालदारों के लिए, तो देखिए कि ऐसा नहीं है। जिसने हलाल से कमाया वो भी कब्र में जाने वाला है, जो हराम से कमाता है वो भी कब्र में जाने वाला है। अब ये आयतें सुन के असल में मालदार अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, एकदम गिल्ट में चले जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माल अल्लाह की नियामत है, लेकिन आपको पता है दो शर्त उसके अंदर होना चाहिए। आप माल कमाइए, माल कमाने में खर्च करने में कोई मना नहीं है। ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है दीनदारों की तरफ से या मालदारों की तरफ से, उसको क्लियर करिए। अल्लाह की पनाह कि जब तक हमने अल्लाह के कलाम को नहीं समझा था, न जाने हम तो क्या क्या सोचते थे। अल्लाह सुभान ताला ने अपने कलाम से सारी बातों का खुलासा कर दिया है कि लेकिन दो चीजें आपको क्या याद रखनी है। वन थिंग इज के हलाल के साथ हो, ठीक है, आपने जो भी कमाया है वो हलाल के साथ आए और हलाल के साथ जाए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब कि हलाल से आए हलाल से जाए, इसका क्या ताल्लुक है, या फिर क्यों मैं इतना जोर दे रही हूँ इस बात पे, या क्यों जरूरी है। तो देखिए कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि इब्ने आदम कयामत के दिन जब तक 5 सवालात के जवाब नहीं दे देगा वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। वो 5 सवालात के जवाबात में से 2 सवाल तो ये होंगे, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। आप इसको बहुत आसान मत समझिए या आप बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए। ये देखिए कि इन्हीं इंसान जो है यानी कि बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बस कमाता है कमाता है कमाता है, कहीं भी खर्च कर देता है। और यकीन करिए जो लोग हलाल तरीके से कमाते हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ कर अपने माल को खर्च करते हैं, इतना केयरफुल रहते हैं। उनको पता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है तो मेरा खर्च भी जो है वो अच्छे कामों में होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए कब्र की बात आई है, लोग जो है नाउस बिल्ला आज इसको फैशन बना लिया है लोगों ने। आपको पता है कि एक बात तो मेरे कानों तक आई थी कि जब इंसान मर जाता है तो यहाँ तक के लोग जो है यानी कि उन्हें जो मशगूले में वो मशगूल थे या जो उनके हॉबीज थी या जो चीजें उन्हें पसंद थी, मुर्दे के मैयत पे करते। पता है आपको, अगर मरने वाले को गाना बजाना पसंद था तो नाउज बिल्ला उनके मैयत पे गाना बजाना करते हैं, कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये देखिए कि कब्र को आप जो है वो खूबसूरत मत बनाइए, बल्कि क्या है, साहिब कब्र को उसकी फिक्र करिए कि कब्र के अंदर वाला जो है वो किस हाल में है। कब्र के अंदर की फिक्र करिए। ऊपर बजाहिर कितनी भी खूबसूरत कब्र होगी और मरने वाला साहिब कब्र अगर उसने तो अगर समझिए कि उसके आमाल अच्छे नहीं थे कुछ नहीं थे, तो ऊपर कितनी भी खूबसूरत कब्र आप सजा दें उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या हो रहा है, ये मुझे और आपको अपनी फिक्र दे रहा है कि हर एक को कब्र साहिब कब्र बनना है, हर एक को कब्र के अंदर जाना है। लेकिन अब चूंकि हमने अल्लाह का कलाम समझ लिया है तो हमें दूसरों से अलग होना चाहिए, हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए कि कब्र को खूबसूरत ना बनाए, बल्कि साहिब कब्र को जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, उसके आमाल को खूबसूरत होना चाहिए। देखिए जरा, आपको लगता है ये कोई कुरान वजीफे की किताब है? वजीफे की किताब होती तो इतनी हौल ना के अल्लाह सुभान तआला बयान ही नहीं करते। सिर्फ सवाब 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 की नियत से पढ़ना होता तो इतनी सारी चीजें अल्लाह सुभान तआला खुलासा नहीं करते। कब्र के अंदर की बातें, बाहर की बातें, कयामत की बातें, अल्लाह अकबर। चलिए ठीक है, आगे क्या मैसेज दिया जा रहा है। कल्ला, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। और अल्लाह सुभान तआला बता रहे सौफ तआलमून, बहुत जल्द तुम सब जान जाओगे, यानी मौत के वक्त या बरजख के वक्त, ये दो वक्त में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हें इतना आगाह किया गया रसूलों के जरिए, अंबियाओं के जरिए, उनकी किताबों के जरिए, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी मान कर नहीं दिया। सुम्म कल्ला सौफ तअलमून, फिर हरगिज नहीं तुम बहुत जल्द जान जाओगे, यानी कयामत के दिन को तुम बहुत अच्छे से जो है वो जान जाओगे। देखिए यहाँ पर ठीक है, कल्ला लौ तअलमून इल्म अल्यकीन, अभी भी नहीं जाना, हरगिज नहीं, बात वो नहीं है जो तुम सोचते हो, काश तुम यकीन तौर पर जान लेते, काश तुम यकीनी तौर पर जान लेते।
अगर तुम इस गफलत का अंजाम यकीनी तौर पर जान लेते तो तुम यकीन इस तकासुर और तफाकुर में मुब्तला ना होते। और बहुत बड़ा फैक्ट है ये। वही इंसान आज फखर और इतराहट में लगा हुआ है जिसको मरने का यकीन नहीं है। यस डेफिनेटली। देखिए जिसको मरने का यकीन है तो वो तो बोलेगा क्या करूं मैं सब करके, एक दिन तो मुझे मर जाना है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लव आया है, लव, और ये शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये और पे शर्त दिया है कि शर्त अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं कि तुम जान तो जाते अपने यकीनी इल्म से और डेफिनेटली तुम जान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि जिस तरीके से देखिए कि जब यानी अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं जब आंखों से तुम देखोगे ना तो इल्म के साथ जान जाओगे। अभी सिर्फ तुम्हें इल्म दिया जा रहा है लेकिन वो चीज जब तुम अपनी आंखों से देख लोगे तो डेफिनेटली तुम्हें जो है वो यकीन आ जाएगा। उसके बाद तुम जरूर जहन्नम को देखोगे, देख लोगे। यस डेफिनेटली। क्यों? अल्लाह सुब्हान तआला क्या बता रहे हैं कि अगर मौत का यकीन होता तो तुम कभी कसरत में नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा कमाई नहीं कमाते, बहुत ज्यादा माल पर, औलाद पर, अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर फख्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि यू नो कि एक दिन तो मुझे सब कुछ छोड़कर जाना है, मैं क्यों फख्र करूं इसके ऊपर। और इसकी बहुत ज्यादा आपको जो है वो हसरत भी नहीं होती, बहुत ज्यादा कसरत की भी जरूरत नहीं होती। यस। और बेसिक जो चीज मुझे और आपको मैसेज दी जा रही है, जरूरत पर ध्यान दो, ख्वाहिशात पर ध्यान मत दो। ये पूरी सूरत मुझे और आपको ये मैसेज दे रही है। आज के बाद जो लोग ख्वाहिशात के पीछे भागते थे वो छोड़ दें और जरूरत पर ध्यान दें। क्यों? जब इंसान जरूरत पर ध्यान देता है कसरत के पीछे नहीं भागता है, बिल्कुल नहीं भागता है वो। मस्जिद अल्लाह ताला बता रहे हैं फिर तुम अपने जरूर यकीनी आंख से देखोगे। यकीनी आंख से मतलब करीब से कयामत को देख लोगे। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल के देखिए आपको कोई न्यूज मिलती है, अरे फुला जगह पर आग लगी हुई है, आप बोलते हैं हाँ ठीक है आग लगी हुई है। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको धुआं उठते हुए दिखता है, आपको थोड़ा और बिलीव होता है, अच्छा अच्छा खबर मिली थी आग लगी, अच्छा वहां आग लगी। देन आप थोड़ा और आगे जाते हो तो उस वक्त आप देखते हो कि बिल्कुल यानी कि आग की लिपटे जब आप अपने आंख से देख लेते हो या आप उसको छू लेते हो उस वक्त आपको फील होता है कि यस डेफिनेटली यहाँ तो आग लगी हुई है। जब आपको 101% श्योरिटी हो जाती है यस कि यहाँ पर जो है वो आग लगी हुई है, सेम उसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि तुम अपनी इस यकीनी आंखों से देखोगे तो डेफिनेटली उसको मान लोगे, यकीन कर लोगे। इसी तरीके से देखिए एक और मुझे बात याद आ रही मूसा अलैहि सलाम की। क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने मूसा अलैहि सलाम को कोही तूर पे बुलाया? अब वहां पर क्या हुआ, उन्हें अल्लाह सुब्हान तआला ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी आप तो यहाँ आ गए लेकिन बिहाइंड यू आपकी कौम जो है वो बिगड़ रही है, वो शिर्क में मुब्तला हो रही है, वो बछड़े को पूजने लगी है। ठीक है, मूसा अलैहि सलाम ने इस चीज को बहुत हल्के में लिया, मतलब हाँ इट्स ओके ठीक है ऐसा, चलो एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। देन व्हेन ही बैक, वापस आने के बाद जब उन्होंने देखा कि वाकई उनके कौम के लोग गुमराह हो गए हैं, मूर्ति की पूजा करने लगे हैं, बछड़े को पूज रहे हैं उसकी मूर्ति बनाकर, तो उस वक्त जब उन्होंने अपनी वापस आने के बाद अपनी आंखों से देखा उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और उनके हाथ में जो कुछ अल्लाह सुब्हान तआला ने जो उन्हें बुकलेट वगैरह दी थी वो एक तरफ उन्होंने जो वो रख दी गुस्से की वजह से। यानी ये पैगाम मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ और तुमने तो अपना हाल ये बना रखा है। ये है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि बंदा जब उसे यकीन नहीं होता है तो वो बहुत हल्के में लेता है बातों को। अल्लाह ताला बोले ठीक है ना, आज दुनिया में अपनी किताब के थ्रू मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ ना कि डेफिनेटली आग है, जहन्नम है, और तुम अगर तुमने समझो कि दुनिया की कसरत में अपने आप को खपा दिया तो डेफिनेटली वो जहन्नम में तुम्हें दाखिल कर दूंगा। आ रही बात समझिए? अगर देखिए आपके अंदर भी ये बात है तो उसको खत्म करने की कोशिश करिए कि कसरत कसरत कसरत। आप ही देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी दिलचस्पी किन चीजों को जो है वो ज्यादा करने में है। अपने आप को जांचिए, ये चेक लिस्ट है मेरे लिए भी आपके लिए भी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कुछ मुझे अता किया मैं उसको कहाँ लगा रही हूँ,
ठीक है, आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हान तआला क्या बता रहे, सुम्मा लतुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम। इसको तो बहुत ध्यान से सुनिए इस आयत को। फिर उस दिन तुमसे जरूर डेफिनेटली नियामत के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। सबसे पहली बात तो आप एक बार बताइए मुझे, नियामत क्या है? चलिए चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए नियामत क्या है। नियामतें दी है उसके बारे में पूछा जाएगा। अब मैं आप एक बात आपसे कहूँ तो शायद वो झूठ नहीं होगा। लोगों का हाल क्या है पता है आपको? जो दूसरे को मिला है ना वो नियामत है। लोग ये सोचते हैं, हाँ इसको घर मिला, इसको बंगला मिला, इसके पास फ्लैट है, गाड़ी है, इसका शौहर अच्छा है, इसके बच्चे अच्छे हैं, इसके पास तो नियामत है, मेरे पास तो कुछ नहीं। जबकि अल्लाह सुभान ताला ने उससे ज्यादा इसको अता किया है। फिर देखिए कि जब हम दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं तो अपनी चीजें हमें ज्यादा जो है वो नजर ही नहीं आती है। और एक बहुत हल्की सी डेफिनेशन, इन शॉर्ट डेफिनेशन जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था, हर वो चीज आप अपने हक में अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नियामत समझें जो दूसरों के पास नहीं है। फिर इसकी मिसाल मैं उनको अल्लाह के कलाम से ही देती हूँ कि इस वक्त आप अल्लाह के महफिल में बैठी हैं, न जाने कितने लोग हैं। अगर हम अपने ग्रुप की बात करें तो तकरीबन 300 से ज्यादा हमारे ग्रुप में लोग हैं। उसमें से देखिए कि ऑनलाइन ओनली 19। इस वक्त ये आपके लिए नियामत है कि ये वक्त अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको कितना बेहतरीन गुजारने का जो है वो आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजारने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें इस पर। फिर इसी तरीके से देखिए कि अपने आप पे गौर करिए। अल्लाह सुब्हान ताला ने देखिए आपको जिंदगी दी है, मुझे दी है, और न जाने कितने लोगों को इस तरीके से जिंदगी दी है। गौर करने के बाद क्या है यहाँ पर, हाँ, कि जिंदगी गुजारी या फिर जिंदगी गुजर गई, ये दोनों जुमले आपको ऐसा लगेगा हो इससे फर्क क्या है, तो इस पर गौर करिए जो मैं बोल रही हूँ आपको। आपको अपने आप में फिकर, आप में अपने आप को गौर ये करना है कि आपने जिंदगी गुजारी या ये जिंदगी गुजर गई। जब आप इस बात पे गौर करेंगे ना तो यकीन करिए कि आपको इसमें फर्क पता चल जाएगा कि वाकई मेरी जिंदगी गुजर रही है यूं ही, या मैं इसको अल्लाह के दिए हुए चीजों को लेकर उसकी रजा के लिए इसको गुजार रही हूँ। ठीक है, और आपको पता है हिसाब की जो फिकर होती है वो सहाबा को नियामतों से पीछे कर देती थी, पता है आपको, नियामतों से पीछे कर देती थी। फिर मुझे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाकया याद आ रहा है कि एक वक्त था कि गर्मी की बहुत शिद्दत थी, इतनी गर्मी। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी के पास गए। वो सहाबी ने अपने एकदम छांव वाले बाग में उन्हें बिठाया और उनके बाग में यानी कि बहुत यानी ठंडी ठंडी अंगूर जो है वो बाग में से लाकर उन्हें पेश किया। तो जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक अंगूर उठाया, ठंडा ठंडा अंगूर, इतनी प्यास की शिद्दत, गर्मी इस कदर, जैसे उन्होंने उठाया खाने को किया तो इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ उमर खाने को तो तुम खा लो लेकिन तुम्हें इसका हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, एक अंगूर का दाना, पूरे गुच्छे की बात नहीं कर रही हूं मैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह इतनी गर्मी की शिद्दत, प्यास इतनी मुझे लगी हुई है और मैं एक अंगूर खा लूंगा तो इसका हिसाब दिया जाएगा। बोले हाँ, ये फिलहाल तुम्हारे लिए नियामत है, तुम्हें हिसाब देना होगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस अंगूर को नहीं खाया। अल्लाह अकबर, हमारा हाल देखिए। बस देखिए सहाबा के वाकयात क्यों आपको बताए जाते हैं, क्यों हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को, उनकी सीरत को पढ़ते हैं, अपने आप में गौर फिक्र करने के लिए। हमारा हाल क्या है, न जाने अभी देखिए शाम का वक्त हो रहा है, सुबह से न जाने आपने क्या क्या नहीं खाया होगा, खाकर भूल गए। लेकिन फिक्र करिए, एक एक चीज जब आप अपने हाथ में लेती हैं, उसको मुंह तक पहुंचाती हैं, वो एक एक निवाला का आपसे हिसाब लिया जाएगा। अब क्या है वो हिसाब, क्या है वो हिसाब, जैसे कि मैंने आपको एक बात अभी बताई, कयामत के दिन इब्ने आदम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ योर सेल्फ, क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो इब्ने आदम। तो अपने आप को रखे यहाँ पर, अल्लाह सुब्हान तआला मुझसे कह रहे हैं कयामत के दिन तुम अपने पैर को हिला भी नहीं सकोगे जब तक 5 सवालात के जवाब तुम नहीं दे दो। चलिए खाने पीने की बात आई है तो उसी पर पहला सवाल जो इंसान का होगा वो तंदुरुस्ती पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे सेहतमंद रखा है, आपको सेहतमंद रखा है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करिए अल्लाह का। और अल्लाह सुब्हान तआला पूछेंगे जो मैंने तुम्हें हेल्थ दी थी उसका क्या इस्तेमाल किया तुमने,
बुराई के कामों में भागे या नेकी के कामों में भागे, अपने एफर्ट्स कहाँ लगाए, अपने एनर्जी कहाँ लगाई, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाएगी, जो तंदुरुस्ती का सवाल पहले किया जाएगा, इसमें इसको किस 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 कामों में तुमने लगाया। चलिए, उम्र का सवाल किया जाएगा, एज जो ईच एंड एवरी ईयर बढ़ते जा रही है, और ईच एंड एवरी मोमेंट आप जो है वो कहाँ, कब्र की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। और उस हाल में सवाल किया जाएगा वहां पर, जो मैंने तुम्हें उम्र दी, वॉट एवर 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30, 40 ईयर्स, एक एवरेज भी अगर हम ले लें, उस पे सवाल स्पेशली किस ग्रुप का किया जाएगा, जवानी के एज का। ये जो जवानी तुम्हें मैंने दी थी, इसको तुमने कहाँ लगाई। अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, जवानी तो हमें मौज मस्ती करने को दी गई है, और फिर वैसे भी कहते हैं जवानी दीवानी होती, भाई हम तो उसमें बहुत मगन रहते हैं, इसमें क्या दिन का काम करें। अब मौज मस्ती करने दें, दिन के काम के लिए तो और जिंदगी पड़ी हुई है, जरा बूढ़े हो जाएंगे, कब्र में पैर लटक जाएगा जब उसके बाद नेकी करेंगे, यही ना आम आम माहौल में हमको ये सब सुनने को मिलता है। अभी क्या मेरा टाइम है, अभी मैं क्यों नेकी करूं, अभी मैं ये क्या करूं, वो क्या करूं। और यकीन करिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो डेफिनेटली इस बात में कोई शक नहीं है, तुम्हारी उम्र की जवानी की जो टाइम पीरियड है उसका बहुत सख्ती से सवाल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अर्ली एज में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे आपको चुना अपने कलाम को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी इस एज को अल्लाह सुब्हानहू ताला अच्छे कामों में लगाने की तौफीक दे रहे हैं, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है जो आपको नेकी की तरफ ले जाए और आपको बुराई से रोके। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए स्टार्टिंग के 20 साल तो ये समझिए कि बेवकूफी में इंसान निकाल देता है, दे डोंट नो एनीथिंग, नथिंग, क्या करना है, क्यों दुनिया में भेजे, इल्ला माशाल्लाह, सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहु ताला बहुत अर्ली एज में हिकमत दे देते, विजडम दे देते। अच्छा फिर चलिए, अगर एवरेज एज पकड़े 60, 40, 50 की एज पकड़ते हम, 20 साल तो यही चले गए, बाकी बचे 30 साल। आखिरी एज में तो वैसे इंसान कुछ करने के काबिल नहीं होता है, भाग भाग के नेकियां नहीं कर पाता है, बस वो एक जगह पे बैठ के तस्बीह पढ़ ले तो ये उसके लिए बहुत हो जाता है। ठीक है, तो करने की मेहनत के काम कब है हमारे, 21 साल से लेके समझिए कि आपकी 45 और 45 प्लस आप हैं, तो ये आपके जो 25-30 साल है, ये एज में आपको मेहनत करनी है, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अल्लाह अकबर। तीसरा सवाल क्या किया जाएगा, तुमने माल कहाँ से जो है वो कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। देखिए बहुत सोच का मकाम है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या थी, क्या थी वो सोर्स ऑफ इनकम। और यकीन करिए कि हलाल का ताल्लुक अल्लाह की रजा के साथ होता है, हराम का ताल्लुक अल्लाह की रजा से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। आने दो, जिधर से भी आता है माल आप उनको मांगते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये माल वो माल, ये मैं ये कर लूं वो कर लूं, बस यानी बस उसको तमीज ही नहीं है कि मैं हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं। चलिए चौथा सवाल होगा, उस माल को जो तुमने कमाया है उसको तुमने कहाँ लगाया, हलाल कामों में लगाया हराम कामों में लगाया। बहुत ज्यादा फिक्र का मकाम है देखिए। और पांचवा तो बहुत ही सख्त सवाल के जो इल्म तुमने सीखा उस पर अमल कितना किया। देखिए हमारी जिंदगी पूरी इसी पर डिपेंड होने चाहिए, हमारी जिंदगी कब्र के 3 सवाल और कयामत के 5 सवाल, गोया ये मैं कहूं तो झूठ नहीं होगा कि ये 8 सवालात का जवाब हासिल करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। देखिए नॉर्मली हम जो एग्जाम देते हैं, वी डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन कमिंग, पता ही नहीं रहता हमें क्या सवालात आने वाले क्या नहीं आने वाले। लेकिन ये देखिए आप, अल्लाह का एहसान मानिए, अल्लाह सुबहान ताला का, कि अल्लाह सुबहान ताला ने तो हमें क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया, जाओ इसका आंसर लेकर आओ, कयामत के दिन पूछूंगा मैं, कितनी अच्छी बात है। देखिए जरा, तो जब अगर कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमें पहले मिल जाए तो दुनिया का मामला ऐसा, आउट ऑफ पूरा मार्क्स ले लेंगे, 100 out of 100 पूरा मार्क्स ले लेंगे। तो जब अल्लाह सुब्हानहु ताला ने पहले से हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया है तो इसमें इतनी कोताही क्यों, क्यों इतनी पार्शियलिटी दुनिया और आखिरत के मामले में। तो अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो आपको अपनी फिक्र दिलाई जा रही है, अपनी फिक्र करिए, अपनी फिक्र करिए, अभी भी जो है वो
बिल्कुल भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त नहीं गया है। और एहसास के साथ, अफसोस के साथ कि देखिए कि आज हमें एहसास भी आपके अंदर हो और अफसोस भी हो, अब तक मेरी जिंदगी के कितने लम्हात मैंने यूं ही गुजार दिए। अल्लाह अकबर। तो देखिए कि बता दिया गया कि हर नियामत के बारे में पूछा जाएगा, माल हो, औलाद हो, आपके पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, अल्लाह का शुक्र है। अगर मुझे औलाद है तो वो नियामत है मेरे लिए, शौहर नियामत है, पेरेंट्स नियामत है, भाई बहन नियामत है, ईच एंड एवरीथिंग। जरूरी नहीं है कि आपके पास माल और दौलत ही नियामत होते, नहीं, इवन यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स के बारे में भी पूछा जाएगा, वो भी तो नियामत है ना आपके। ये 5 क्वेश्चन तो मैंने मोटे मोटे बताए आपको, इसके अलावा भी जो चीजें है जिसको आप नियामत समझती हैं, और इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको कि हर वो चीज जो आप किसी और के पास नहीं देखे लेकिन आपके पास है, तो उसको अल्लाह की तरफ से नियामत समझिए, अल्लाह की ब्लेसिंग समझिए इंशाल्लाह। अल्लाह सुभान ताला से दुआ करिए। अब कसरत की बात आई है तो ये देखिए कि अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह जो कुछ भी तूने मुझे कसीर दिया है, जो कुछ भी तूने मुझे अता किया है, मैं अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूं, तू मुझसे राजी हो जा। रो रो कर अल्लाह को मरने से पहले राजी कर लीजिए, अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद तेरी रजा हो, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, अल्लाह तू भी तो मुझसे राजी हो जा, मैं तेरी रजा पे जिंदगी गुजारनी चाहती हूँ, यानी शऊर के साथ। फिर देखिए कि उसमें फिर अल्लाह सुभान ताला जांचेंगे, ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप अल्लाह सुभान ताला से रजा की जो है वो दावे करें, आप अल्लाह सुभान ताला से मोहब्बत के दावे करें, अल्लाह सुभान ताला आपको यही छोड़ देंगे बगैर आपको आज जांचे और यूं छोड़ देंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर बहुत गौर का मकाम है कि अल्लाह सुभान ताला ने ये आंखें मुझे दी, कान मुझे दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, अमन दिया, सेहत दिया, माल और दौलत वगैरह, ये सारी चीजें मेरे लिए नियामतें हैं, समझो आप। अब देखिए कि स्पेशली ये सवाल सिर्फ काफिरों से होगा, बस कहते हैं कि हर एक से होगा, क्यों? क्योंकि देखिए कि अल्लाह सुभान ताला ने सारी चीजें सबको जो है वो अता की है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने नियामतों का इस्तेमाल अल्लाह की हिदायत के मुताबिक किया, हिदायत के मुताबिक अल्लाह सुभान ताला ने जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, किया, वो सवाल के बावजूद अजाब से महफूज रहेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अल्लाह सुभान ताला उसे पूछेंगे जरूर लेकिन अजाब से बचा लेंगे, क्यों? क्योंकि नियामतें मिलना बुरी बात नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल असल में इंसान को जो है वो जहन्नम तक ले जाने के लिए काफी है, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह सुभान ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह सुभान ताला तूने मुझे जो कुछ भी अता किया है उसको मैं तेरी रजा के लिए जो है वो इस्तेमाल करूं इंशाल्लाह, और सबके हक में दुआ करिए। और देखिए कि इस तरीके से आप बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार सकती हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारिए, अल्लाह मना नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह को नाराज करके जो है आप खुशहाल तो रह सकते लेकिन खुश नहीं रह सकते। और खुशी का ताल्लुक जो होता है वो दिल से होता है, दिल का इत्मीनान अल्लाह ने कहाँ रख दिया है, अपने पास रख दिया, अपने कलाम में रख दिया है। तो अल्लाह सुभान ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुभान ताला ने आपको उन खुश नसीब लोगों में शामिल किया है जो अल्लाह का कलाम सुन रही हैं और उस पर अमल की कोशिश कर रही हैं इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर वाखिर दावान यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बि इग़फिरली वली वालिदैया लिल मुमिनीन वल मुमिनात यौमा यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, आमीन या रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।